Hi. I had received many queries that why I don't respond or comment or put any videos or any post related to political parties or elections or related to journal happenings in the countries. तो होता क्या है, जितने भी एस्ट्रोलॉजर जनरली अपनी नॉलेज को दिखाना चाहते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स के आसपास चलते हैं। एंड आई हैड बीन क्वेश्चन व्हाई डोंट आई ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम थिंग। माई पॉइंट इज वेरी वेरी लॉजिकल। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी या मंदनी एस्ट्रोलॉजी उनको कवर करती है, और वो कुछ कर्मों बेस्ड पे चलती है कि किसके कैसे कर्म हैं या उसके आसपास हमारे बिहेवियर्स कैसे हैं। और मेरा अपना पर्सनल, मैं किसी और एस्ट्रोलॉजर को ठीक या गलत में नहीं लाना चाहूंगा, मेरे खुद का पर्सनल मानना ये है कि मैं कॉन्ट्रोवर्शियल चीजों में नहीं जाना चाहता और ना ही मैं उन चीजों को टच करना चाहता हूँ जो लोगों को डिस्टर्ब करें। मेरा मकसद, जहां तक मेरे को लगता है, ये प्रूव करना नहीं है कि मेरे को एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती। मेरा मकसद है लोगों की लाइफ को टच करना, किसी तरह उनसे जुड़ना, सो दैट आई कैन कनेक्ट टू देयर सोल्स एंड आई कैन सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। मेरा मानना, पर्सनल, अगेन मैं कहूंगा सिर्फ पर्सनल मेरा ये है कि मैं किसी तरह, मैं अपनी इतने सालों की सीखी हुई विद्या को लेके मैं सिर्फ ये कोशिश कर सकूं कि कैसे उस ज्ञान को इस्तेमाल करके मैं आपकी जिंदगी को बदल सकूं। अब वो पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी या नहीं, या ट्रंप हारेगा या बिडेन जीतेगा, वो एक देश का पर्सनल मामला है। उसके अंदर मैं नहीं पढ़ना चाहता, ना ही ये बता के कि मेरे को समझ है या नहीं, ना ही मैं वो चीजें देखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई डिप्रेशन है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कोई बच्चों को लेके है या फिर आपको कुछ सोच में है, कुछ मेडिटेशन में है, यस मेरा रोल होगा आपकी जिंदगी को चेंज करने में अपनी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज को यूज कर। और मैं चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा मेरे से जुड़े ताकि मैं इस चीज को और अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकूं आपकी लाइफ को चेंज करने में।